Schumacher, in der Hazard Chuckle, den Junkie Ducker, Jump Duck, hey, hop mit am Meg, Bische, Hottinge, hop. Beyblade, Beyblade, hold up, Schuh. सो गाइस स्वागत है तुम सभी का बीबीए एक्स स्ट्रीमर के एक नए वीडियो में। तो गाइस आप सभी को पता चल गया होगा कि गाइस मैं बीबीए एक्स स्ट्रीमर नहीं हूँ, मैं हूँ गाइस एनिम बर्स्ट एक्स। और गाइस मैं आज आया हूँ बीबीए एक्स स्ट्रीमर के चैनल पर उनसे गाइस कोलैब करने। तो गाइस आज मैं तुम्हें गिंका और गाइस उसके बिटबीस पेगासस के बारे में गाइस तुम्हें बताने वाला हूँ। और गाइस जो बीबीए एक्स स्ट्रीमर है वो गाइस आप सभी को वॉल्ट के बारे में बताने वाले हैं। गाइस गिंका के लिए गाइस मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, दुनिया का सबसे पावरफुल बेब्लेडर। और गाइस उसे अकेले ही गाइस ये चीज इतना पावरफुल नहीं बनाती। और सबसे बड़ी बात है गाइस उसका बेब्लेड, उसका बेब्लेड गाइस कॉस्मिक पेगासस। आप गाइस तुम इसके बिटबीस को गाइस एक नॉर्मल पेगासस समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि गाइस इन्हें रयुगा के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बिटबीस एल ड्रैगो तक को हराया है। और गाइस एल ड्रैगो बिटबीस के पावर को बीट करना गाइस कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि गाइस उसका ट्रेनर रयुगा इज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट ब्लेडर। और गाइस उसका जो बिटबीस है वो गाइस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बिटबीस है, यानी कि गाइस सबसे पावरफुल ड्रैगन बिटबीस। गाइस अब कॉस्मिक पेगासस के सबसे पावरफुल अटैक के पाया है तो गाइस वो है कॉस्मिक टॉर्नेडो, जो कि गाइस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक। अब बात करें गाइस कॉस्मिक टॉर्नेडो के गाइस डिजाइन की, गाइस कॉस्मिक पेगासस गाइस एक अटैक टाइप बेब्लेड भी है। और गाइस इसके चारों तरफ गाइस डिफेंसिव स्टाइल में गाइस अटैकिंग मेटल्स लगे हुए हैं, जिससे गाइस इसकी पावर गाइस डबल हो जाती है और गाइस इससे और ज्यादा हेल्प मिलती है। सो गाइस अब बीबीए एक्स स्ट्रीमर आप सभी को गाइस वॉल्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस अगर आपने मेरी आवाज पहली बार सुनी है तो गाइस आप सभी को मेरे चैनल को यार जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बॉल्ट के बारे में बात कर तो बॉल्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है, साथ ही बेब्लेड बर्स का मेन कैरेक्टर भी है। और वो तब तक पीछे नहीं हटता जब तक वो पूरी बात समझ नहीं लेता, और उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा भी है। और साथ ही बॉल्ट का बेब्लेड है बेल्ट्रीएक, जो कई बार इवॉल्व भी हो चुका है। और उसके स्पेशल मूव्स हैं अल्ट्रा जेनेसिस रीबूट और अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, जो कि बहुत ही सारे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल मूव्स हैं। और साथ ही बॉल्ट का राइवल है शू, जिसे उसने हराया भी है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके साथ जो उसका बेब्लेड का बॉन्ड है वो उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और बॉल्ट ने कई सारे अपोनेंट स्ट्रांग अपोनेंट्स को हराया भी है, जैसे कि शू कुरनाई, फ्री डेला होया, जेंडर शेकेडेरा और भी बहुत सारे स्ट्रांगेस्ट बेब्लेड को बॉल्ट ने हराया है। और उसे प्रैक्टिस करना भी काफ़ी पसंद है, इसलिए वो फिजिकली और काफ़ी ज़्यादा फिट रहता है। तो अब हम दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात कर दो तो पहला पॉइंट है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ। तो मेंटालिटी के बारे में बात कर तो जिंगा सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाता है, और वही हम दूसरी तरफ बात करें बॉल्ट की तो वो भी थोड़ा टाइम लगाता है, पर वो पीछे नहीं हटता जब तक वो पूरी बात समझ नहीं लेता। तो इससे पता चलता है कि बॉल्ट मेंटली में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। पर अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बॉल्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके बेब्लेड का बॉन्ड उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। पर अगर हम बात करें जिंगा की तो जिंगा ने पूरी दुनिया की ताकत को एक साथ काबू करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया था, और उसके साथ जो बेब्लेड का उसका बॉन्ड है उससे वो बहुत ही लंबी बैटल लड़ सकता है, जिससे हमें पता चलता है कि फिजिकली जिंगा बॉल से ज़्यादा अच्छा है। तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ में दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है विनिंग परसेंटेज। तो अगर हम बॉल का विनिंग परसेंटेज देखें तो वो है 74, और अगर हम जिंगा का विनिंग परसेंटेज देखें तो वो है 84। तो इससे पता चलता है कि दूसरे पॉइंट का विनर है जिंगा। तो जिंगा के पास है 2 पॉइंट और बॉल्ट के पास है 1 पॉइंट। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है बेब्लेड एंड बिटपीस पावर, मतलब किसके बेब्लेड और बिटपीस पर ज़्यादा पावर है। तो अगर हम बेब्लेड का देखें तो बॉल्ट का बेब्लेड बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कह सकते। और वहाँ मेटल सीरीज के ब्लेड बेब्लेड बर्स्ट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो इसलिए बेब्लेड के मामले में जिंगा विनर है। पर अगर हम बात करें बिटपीस की तो दोनों का ही बिटपीस के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, जिससे पता चलता है कि दोनों ही बिटपीस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रहते हैं, और दोनों ने ही काफ़ी सारे स्ट्रांग ओपोनेंट्स को हराया है। जैसे कि बॉल्ट ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्री को हराया है, और वही जिंगा ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन राघो को हराया है। तो इसलिए बेब्लेड के मामले में पहुंच जाता है जिंगा को, और बिटबीस के मामले को दोनों को ही मिलता है। तो इसलिए इस पॉइंट के लिए जिंगा को 2 पॉइंट और बॉल्ट को मिलता है 1 पॉइंट। तो अभी जिंगा के पास है 4 पॉइंट्स और हमारे बॉल्ट के पास है
दो पॉइंट। तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो जिंगा वॉल्ट को हरा देगा। तो यही थी हमारी कंपैरिजन वाली वीडियो। तो हमारा विनर है जिंगा अगाने। तो हमारी कोलैब वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम होप करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोलैब वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कर देना, और साथ ही एनिमे बर्ड्स टेक्स के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।